सुबह से लेकर के दोपहर तक लाइफ बहुत व्यस्त थी और बाहर ही था तब तक एक मैसेज आया आज कि दीपेश भान इस दुनिया में नहीं रहे। तो शॉक्ड हो गए हम लोग कि आखिर भाई ऐसा क्या हो गया। और बाद में जब स्टोरी उनकी पता चली कि क्रिकेट खेलने गए थे और उसके बाद सडन कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ और वहीं पर कोलैप्स हो गए। तो दीपेश से करीब एक दो महीने पहले ही मैं मिला था और मम्मी भी मिली थी, क्योंकि मम्मी जब हॉस्पिटल में एडमिट थी तब दीपेश की मम्मी भी वहीं पर एडमिट थी। तो दोनों लोग एक आजू बाजू के ही बेड पर थे और रात में वहीं पर रुके थे। तो मम्मी से काफ़ी अच्छी बातें भी हुई थी उनसे। नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई बेड से डिस्चार्ज होता है या फिर हॉस्पिटल से निकलने लगता है तो अपने मरीज को लेकर के निकल जाता है, लेकिन उनके साथ मैंने ऐसा नहीं देखा। उन्होंने क्या किया कि सारे मरीजों को जो लेटे हुए थे बेड पर सबको पर्सनली जाकर के बाय बोला और गेट विल सून का मैसेज दिया और बोला कि आप बहुत ही जल्दी अच्छी हो जाएंगी और बहुत ही जल्दी अच्छे हो जाएंगे। जैसे मेरी माँ जा रही है हॉस्पिटल से बाहर अभी, वैसे आप लोग भी जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही भा गई उनकी। और जाते जाते मैंने एक में हमारे मित्र हैं उसी एपिसोड में हप्पू सिंह, जिनका रियल नेम है योगेश त्रिपाठी, मैंने बोला कि भाई योगेश भाई को मेरा नमस्कार बोलना, काफ़ी टाइम से उनसे बातचीत नहीं हुई है। इतना बोल करके वो चले गए। तो जब उनकी ये वाली खबर आई कि उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है तो बहुत ही शॉक्ड हो गए हम लोग। और मैंने सड़क मम्मी को फ़ोन किया और मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसा सब हो गया है। तो मम्मी भी बहुत परेशान हो गई और बोली कि वो करेक्टर दिमाग से कभी निकल ही नहीं रहा है। और वो करेक्टर इतना हंसता खेलता और सबको गुदगुदाने वाला था मलखान का, भाभी जी घर में है, क्योंकि उसी करेक्टर के बाद उनको इतनी प्रसिद्धि मिली थी। एक्चुअली रात में मम्मी रुकी थी वहाँ पर, तो मम्मी ने बताया कि वो रात भर अपनी मम्मी के पैर दबाते रहे और रात भर मम्मी की सेवा करते रहे हॉस्पिटल में। तो कहने का मतलब ये है कि वो रियल लाइफ के साथ साथ रियल लाइफ में भी बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही अच्छे निश्चित इंसान। तो बहुत दुख है हमें और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को इस दुख से निपटने की ताकत दे। ओम शांति, ओम शांति।